नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले क्रिस डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। बाल दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू को किया गया याद। विश्व मधुमेह दिवस को लेकर विभिन्न संगठनों ने निकाली डायबिटीज जागरूकता रैली। उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब के साथ एक गिरफ्तार। लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचा शातिर अपराधी, कैलाश यादव चढ़ा पुलिस के हत्थे, हथियार हुआ बरामद। और नवगछिया के भवानीपुर में साइकिल सवार पर पलटा ट्रक, भतीजे की हुई मौत, चाचा की हालत गंभीर। और अब खबरें विस्तार से। पूरे आंध्र प्रदेश में बाल दिवस के मौके पर सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी शहर के विभिन्न मार्गों से परिक्रमा करते हुए जिला स्कूल मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। प्रभात फेरी में सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे समेत शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे। वहीं गैर सरकारी स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन आकर्षण का केंद्र बना रहा। बाल दिवस को लेकर गुरुवार को कंपनी बाग स्थित जगलाल उच्च विद्यालय परिसर में किलकारी के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसे कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भरपूर सराहा। भागलपुर नगर विधायक आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में गुरुवार को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर विधायक अजीत शर्मा ने पंडित नेहरू द्वारा दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उनकी जयंती पर ही पूरे देश में बाल दिवस मनाया जाता है, जिसने देश को जोड़कर आगे चलने का काम किया। के अवसर पर उनको नमन करते हुए, उनके कार्यों को याद करते हुए उनके चरण पर पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। और चूँकि उन्होंने बाल बच्चों के लिए बाल दिवस इसी 14 नवंबर को पूरे देश में शुरुआत की है और आज तक उनके बताए हुए रास्ते पे बाल दिवस मनाया जाता है, जिसमें कि बच्चे काफ़ी उत्साहित रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की सोच पूरे देश के सभी लोगों को जोड़कर चलने का, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का, क्योंकि वो आज़ादी के बाद से प्रथम प्रधानमंत्री थे। वहीं बांका के कांग्रेस कार्यालय में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 130वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया, साथ ही उनके द्वारा देश के लिए दिए गए योगदान को याद किया। गुरुवार को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। मधुमेह दिवस को लेकर भागलपुर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वर्ल्ड डायबिटीज डे को लेकर निदान कुटीर की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली सैंडिस कंपाउंड से निकलकर विभिन्न मार्ग होते हुए इस्लाम नगर स्थित निदान कुटीर पहुंची। रैली का नेतृत्व मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कामरान खान ने किया। वहीं डॉक्टर कामरान ने डायबिटीज के कारण और उसके सरल इलाज पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत में डायबिटीज मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं रैली में शामिल डॉक्टर रानी ने कहा कि आज 10 में से एक महिला डायबिटीज की शिकार है, जबकि डॉक्टर मोहतराम ने डायबिटीज से बचाव के लिए सुबह शाम वॉकिंग करने की बात कही। मेरा पहला संदेश ये है कि जो जैसा मैंने कहा, 2 में से एक आदमी आज भी अनडायग्नोज है, उन्हें पता नहीं कि उन्हें डायबिटीज है। तो जो भी आदमी जिन्हें जिनके परिवार में किसी को डायबिटीज है, माँ बाबू जी भाई बहन, या उनकी उम्र 40 से ज़्यादा है, या वो बिल्कुल काम नहीं करते, भोग विलास की लाइफ जीते हैं, वो आज ही जाके ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं। हो सकता हो डायबिटीज़ उनके अंदर हो, इससे पहले कि वो किडनी डैमेज कर दे, आँख डैमेज कर दे, उसका डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है।
वहीं लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना की ओर से मंदरोजा स्थित खाटू श्याम मंदिर में मधुमेह जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान डॉक्टर एम कामरान खान एवं उनकी टीम के द्वारा 600 मरीजों की जाँच की गई एवं आवश्यक परामर्श दिए। वहीं कार्यक्रम की संयोजक मोनिका विजवानी एवं शशि दालुका ने जाँच शिविर में बच्चों के बीच ट्रॉफी एवं बिस्किट का वितरण कर बाल दिवस मनाया। इस अवसर पर सुरेश मेहता, गोपाल खेत्रीवाल, पंकज टंडन, ज्योति मेहरोत्रा, सारिका जैन, रश्मि अग्रवाल सहित फेमिना की कई सदस्य मौजूद थी। ये डायबिटीज स्क्रीनिंग कैंप है, उसके साथ साथ इलाज भी किया जा रहा है। जिन मरीजों को डायबिटीज पता चल रही है कि उनको है, उनको इलाज भी किया जा रहा है, साथ ही साथ उन्हें दवाई भी दी जा रही है। लगभग 1000 लोगों का टारगेट है, 700 लोगों का अभी तक हो चुका है। हाँ, कोई भी किसी भी धर्म, जाति, वर्ग विशेष का यहाँ कोई वो नहीं, कोई भी चाहे तो आके अपना इलाज करें। वहीं घंटाघर स्थित टंडन ट्यूटोरियल क्लासेस में विश्व मधुमेह दिवस को लेकर छात्रों को जागरूक किया गया। डॉक्टर पंकज टंडन ने कहा कि विश्व मधुमेह रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने कहा कि उचित खानपान और नियमित व्यायाम से इस पर काबू पाया जा सकता है। आज हम लोग देखते हैं कि गाँव में बच्चे भोजन के लिए जा रहे हैं, वस्त्र के लिए जा रहे हैं, साइकिल की सुविधा मिल रही इसलिए स्कूल जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे कि हमको पढ़ना है और कुछ बनना है। अगर ये बातें उनको सही रूप में बताई जाएगी तो वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। आज जो बच्चे उसमें पढ़ना चाह रहे हैं वही हमारे बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। ये बात सही है कि आज हमारा बिहार पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग नाम कमा रहा है, लेकिन उस शिक्षा के अगर सारे बच्चों को इस तरह का चीज़ दिया जाए तो आज केवल बिहार का नाम देश में नहीं पूरे संसार में होगा। भागलपुर उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जगदेशपुर जमनी मोड़ के समीप मालवाहक ऑटो से भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद किया। साथ ही टीम ने मधेपुरा के भोलनी गांव निवासी ड्राइवर विपिन यादव को मौके से गिरफ्तार कर लिया। उत्पाद अधीक्षक उमा शंकर प्रसाद ने बताया कि झारखंड के दुमका से शराब की बड़ी खेप लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल अधिकारियों ने झारखंड की ओर से आने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इसी दौरान मालवाहक टेम्पू में चोकर के भीतर छिपाकर रखे गए 10,000 पाउच देसी शराब, 26 बोतल विदेशी शराब बरामद किया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि अवैध शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। टंडन साहब को सूचना मिली कि एक झारखंड से पिकअप जिसमें शराब लदी हुई है वो आ रही है। हम लोगों ने जगदीशपुर थाना के सहयोग से खिरीग बांध के पास इसको रोका और तलाशी ली। उसमें तो जैसा कि आप देख रहे हैं मसालेदार देसी शराब, बियर की पेटी और कुछ विदेशी शराब भी बरामद हुए और एक व्यक्ति गिरफ्तार है जो चालक के रूप में है, नितिन कुमार यादव, मुरलीगंज, मधेपुरा का रहने वाला। बरारी थाना क्षेत्र स्थित बरारी चौक के समीप हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे शातिर अपराधी कैलाश यादव को पुलिस ने धर दबोचा। पकड़े गए अपराधी के पास से एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कैलाश यादव द्वारा स्थानीय लोगों को परेशान करने एवं रंगदारी मांगने की सूचना मिली थी। गुरुवार को कैलाश यादव बरारी निवासी रविन्द्र ठाकुर के घर में लूटपाट की घटना को अंजाम देने पहुंचा था, जिसके बाद बरारी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने कहा कि कैलाश यादव पर पूर्व में हत्या के 2 मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। बरारी थाना क्षेत्र में बरारी थाना क्षेत्र का ही मधु चौक का रहने वाला कैलाश यादव, जो कि पूर्व में भी कई मामलों में जेल जा चुका है, उसके द्वारा वहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है तथा रंगदारी की मांग की जा रही है। इसी क्रम में कल यह सूचना मिली कि एक रंग बराई थाना क्षेत्र के रविंद्र कुमार ठाकुर जी हैं, जिनके घर में घुसकर इसके द्वारा वहां पर पिस्तौल दिखाते हुए वहां पे इन्वर्टर वगैरह उसको ले लिया था और घर में घुस करके लूटपाट की घटना किया जा रहा था। तो इस पर पुलिस को तुरंत भेजा गया और पुलिस को देख करके ये वहां से भाग गया था। उसके बाद पुलिस के द्वारा जो SHO बरारी हैं उनके द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके पास से एक हथियार, एक देसी कट्टा और 2 गोली बरामद किया गया है। और पूर्व में भी ये 2 मर्डर केस में ये जेल जा चुका है। तो इस प्रकार से बरारी थाना क्षेत्र में जो लोगों को यह परेशान कर रहा था तो इसकी गिरफ्तारी की गई है और
निसंदेह इससे वहाँ जो बरारी थाना क्षेत्र है उसमें शांति। नौगछिया के भवानीपुर पेट्रोल पंप के समीप गिट्टी लदा ओवरलोड ट्रक पलटने से साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान पसराहा थाना क्षेत्र के सतीश नगर निवासी प्रकाश सिंह के पुत्र 22 वर्षीय रूपेश सिंह के रूप में हुई है। वहीं साइकिल सवार मृतक का चाचा मनोज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज भवानीपुर PSC में चल रहा है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 31 को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि ओवरलोड ट्रक भागलपुर से खगड़िया की ओर जा रहा था और NH 31 के बगल से गुजर रही सर्विस रोड से साइकिल पर सवार चाचा और भतीजा जा रहा था। इसी दौरान ट्रक दोनों के ऊपर पलट गया। मृतक छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। घटना के बाद से ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इसके ऊपर पलट गया नारायणपुर बस स्टैंड से 1 किलोमीटर पश्चिम NH से नीचे उत्तर तरफ। बांका पुलिस केंद्र में गुरुवार को प्रशिक्षु सिपाही का पारिवारिक समारोह आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विकास वैभव ने परेड की सलामी ली। इस दौरान 334 प्रशिक्षु महिला सिपाहियों ने परेड में हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के उपरांत सभी प्रशिक्षु सिपाहियों को राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात किया जाएगा। DIG विकास वैभव ने कहा कि सिपाहियों के जीवन में यह पल जीवन का सबसे सुखद पल होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे पुलिस विभाग की छवि खराब हो। इस मौके पर DM कुंदन कुमार, SP अरविंद गुप्ता, DSP समेत काफी संख्या में पुलिस जवान मौजूद थे। प्रशिक्षण बांका पुलिस लाइन में चल रहा था, आज उसका समापन हो गया है। उसमें पासिंग आउट परेड के बाद सभी लोग नियमित रूप से पुलिस विभाग में अपना योगदान देंगे। बहुत अच्छे परेड का प्रदर्शन किया गया है। पुलिसकर्मी के जो कर्तव्य हैं उनको बताए गए हैं, अपने जीवन में उन कर्तव्यों पर कर्तव्य निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ ये लोग काम करें और बिहार पुलिस को गौरवान्वित करें, यही संदेश हम लोगों ने दिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क TV। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो। अगर PVY आस्था ड्रिंक्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रिंक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराए। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070907567 6375423152462001022297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क TV। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर केंद्रीय काली महारानी पूजा समिति के महामंत्री चिरंजीवी यादव उर्फ धूरी हत्याकांड मामले में पुलिस ने सातिर अपराधी सूरज यादव को रिमांड पर लिया है। SSP ने बताया कि सूरज यादव उर्दू बाजार इलाके का सातिर अपराधी है। कुछ माह पूर्व सराय के समीप जमीन विवाद मामले में सूरज यादव ने बमबाजी की घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद से ही फरार चल रहा था। धूरी यादव हत्याकांड के 2 दिन बाद सूरज यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। SSP ने कहा कि धूरी यादव हत्याकांड मामले की पूछताछ अपराधी सूरज यादव से की जा रही है और जल्द ही मामले में बड़ा खुलासा किया जाएगा। ततारपुर थाना में कई महीनों पहले एक विवादित जमीन है जिसको लेकर के बमबाजी की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक नामजद अभियुक्त है सूरज यादव, जो कि उसमें नामजद था। उसके द्वारा माननीय न्यायालय में अभी 6 तारीख को शायद उसमें 6 तारीख को सरेंडर उसके द्वारा किया गया था। उसी मामले में उसको रिमांड पर लिया गया है और यह जो घटना ततारपुर में अभी धूरी यादव की हत्या की हुई है, उसमें उसी घटनास्थल के आसपास का यह रहने वाला है और आपराधिक मामलों में कई सारे आपराधिक मामलों में पूर्व में भी शामिल रहा है, तो उस मामले को लेकर के भी इसमें पूछताछ की जा रही है
इसमें स्केच बनवाया गया है जो उस समय प्रत्यक्षदर्शी हैं, और उस स्केच को हम लोग पहचान कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग को वीडियो फुटेज भी मिला है, परंतु उसमें थोड़ा सा रात का समय था तो वो स्पष्टता नहीं है। हम लोग उसको साफ कराने का प्रयास कर रहे हैं, और ताकि जो मारने वाले लोग हैं उनकी पहचान हो सके, सही लोगों की पहचान हो सके और उन पर कार्रवाई की जा सके। सतर्कता जागरूकता सप्ताह को लेकर भागलपुर के मोक्षदा बालिका इंटर स्कूल में गुरुवार को अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर का आयोजन एनके कुकिंग गैस एजेंसी की ओर से किया गया था। इस दौरान कंपनी से जुड़े लोगों ने छात्राओं को गैस चूल्हा जलाने के सही तरीके बताए और अचानक गैस का रिसाव होने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसकी विस्तार से जानकारी दी। एजेंसी के प्रबंधक नितेश सिंह ने छात्राओं को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई, जबकि सहायक मोहम्मद फजलुर रहमान ने सतर्कता के साथ गैस सिलेंडर का उपयोग करने की बात कही। इस मौके पर प्राचार्य विनोद कुमार चौधरी, रविशंकर, स्मृति मीना, रतन कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। इसका उद्देश्य जो है हम लोगों को बच्चे लोगों को जागरूकता देना था कि जीवन कार्य में अपने कभी भी घुस नहीं लेना है, अपने जीवन कार्य में अच्छे से अच्छा कार्य करना है जिस भी फील्ड में वो जाए। और हम लोगों ने सेफ्टी का भी प्रोग्राम करवाया कि गैस में अगर कभी आग लग जाए तो कैसे अपना बचाव करना है। जिले के सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों में POS मशीन लगाने और इसके जरिए ही खाद्यान्न का वितरण करने के लिए गुरुवार को भागलपुर के टाउन हॉल में डीलरों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में POS मशीन की कार्यप्रणाली के बारे में मास्टर ट्रेनर के द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्रभारी DSO ने कहा कि POS मशीन के माध्यम से PDS दुकानों में भ्रष्टाचार कम होगा और उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र स्थित पोखर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान शर्मा टोला निवासी दीप नारायण शर्मा के 35 वर्षीय पुत्र मुकेश शर्मा के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के भाई ने बताया कि मुकेश बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहा था और वह पिछले 3 दिनों से घर से लापता था, जिसकी काफी खोजबीन की गई लेकिन वह नहीं मिला। गुरुवार की सुबह पोखर से मिले अज्ञात सबको देखने गए तो उसकी पहचान मुकेश के रूप में हुई। वहीं हबीबपुर पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर के लिए भेज दिया। माइंड इसका ठीक नहीं था, डिस्टर्ब था, उसके बाद खराब माइंड था। जब माइंड ठीक होता था तो अपने काम को करने लगता था। उसके बाद जो है जाकर के एक दिन संडे के दिन जाकर के 10 बजे करीबन जाकर के उसको हम खोजे, नहीं मिला तो उसी दिन से गायब हो गया। उसके बाद जो है फिर कल भी आया खोजने के लिए काम दे करके तो नहीं मिला। उसके बाद जो है सर करके आज पता चला कि ऐसे ऐसे बात हो गया। बांका के अमरपुर में गुरुवार को किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में कृषि पदाधिकारी सतीश चंद्रा, JSM अखिलेश सिंह, अमरजीत सिंह ने मौजूद किसानों को खेती से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। जिला प्रतिनिधि अनिल झा ने कहा कि VNR हाइब्रिड धान बीज लगाने वाले किसान कम समय में अच्छी पैदावार करते हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र एवं बिहार सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में दर्जनों किसानों को कंपनी की ओर से सम्मानित किया गया। अच्छे किस्म का क्वालिटी है तो इसको लगाया जाए। सभी किसान से अनुरोध करते हैं हम कि लगा के एक बार इसको प्रैक्टिकल देखा जाए क्या बाजार रेट मिलता है। प्रैक्टिकल तो आप देख रहे हैं, प्रैक्टिकल तो है ही, मैंने क्या रेट मिलता है नहीं जैसे ये बाली तो इसका ठीक बुझा रहा है। शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गुरुवार को कटोरिया पुलिस ने देवघर कटोरिया मुख्य मार्ग इनारा वरण के समीप मिनी ट्रक से 26 पेटे विदेशी शराब बरामद किया, जबकि ट्रक चालक पुलिस को देखते ही फरार हो गया। SDPO मदन कुमार आनंद ने बताया कि शराब की बड़ी खेप लाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मिनी ट्रक में बनाए गए तहखाने से 624 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। SDPO ने कहा कि गाड़ी नंबर के आधार पर शराब कारोबारी का पता लगाया जा रहा है। भागलपुर के जब्बारचक में बुधवार की देर रात जश्न ईद मिलादुन्नबी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खानकाह शवाजिया के मौलाना सैयद शाकार आलम शवाजी ने की। इस दौरान मदरसा से हाफिज की पढ़ाई पूरी करने वाले मोहम्मद कैफ रजा और मोहम्मद साबिर रजा को हाफिज की डिग्री प्रदान की गई। इसके बाद जब्बारचक मजार शरीफ पर लोगों ने चादर पोशी कर मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं मौलाना फारूक आलम अशरफी ने मोहम्मद साहब के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने
करने की बात कही। इसके बाद शायरों ने मोहम्मद साहब की शान में एक से बढ़कर एक नातिया कलाम की प्रस्तुति दी। मौके पर पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद असगर अली, मोहम्मद सलाउद्दीन अहसन, इरफान तबरेज खान समेत कई लोग मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। बाल दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू को किया गया याद। विश्व मधुमेह दिवस को लेकर विभिन्न संगठनों ने निकाली डायबिटीज जागरूकता रैली। उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब के साथ एक गिरफ्तार। लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचा शातिर अपराधी, कैलाश यादव चढ़ा पुलिस के हत्थे, हथियार हुआ बरामद। और नवगछिया के भवानीपुर में साइकिल सवार पर पलटा ट्रक, भतीजे की हुई मौत, चाचा की हालत गंभीर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।